बिल्कुल, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है, क्योंकि एक वर्साटाइल, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर को हमने खोया। और एक ज़माना था जब 90s का ज़माना था, उस ज़माने में उनकी तूती बोलती थी। एज एन एक्टर, एज ए राइटर, तकरीबन 300 फिल्में उन्होंने की, 250 फिल्मों में तकरीबन उन्होंने डायलॉग्स लिखे। मेरी पहली फिल्म थी उनके साथ, तेरी पायल मेरे गीत, जिसमें गोविंदा जी हीरो थे और वो कैरेक्टर रोल में थे, और उसमें शक्ति कपूर जी और मैं विलेन था। तो एक बहुत अच्छे उम्दा कलाकार को हमने खोया। हम लोग पिछले कई सालों से, मेरे ख्याल से 4-5 साल से वो बीमार ही रहते थे, जब से उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। लास्ट ईयर में उनको 2017 में देखने गया था, तो हालत ठीक नहीं थी और बहुत कमज़ोर हो गए थे, बातचीत भी नहीं होती थी। तो अभी इस वक्त चूँकि कनाडा में उनकी इंटायर फैमिली है, और जैसा कि चैनल के माध्यम से खबर आई है कि उनकी मिट्टी मंजिल भी वहीं करेंगे, तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि मालिक उनको जन्नत में आला मुकाम दे और उनको कब्र के अजाब से बचाए, और हम सब जो जितने भी उनके चाहने वाले हैं उनको हिम्मत दे, उनके परिवार को हिम्मत दे, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को। और पूरी मतलब ये है कि एक बहुत ही सदियों में ऐसे कलाकार पैदा होते हैं जिनको हमने खोया। सर, आप उनके साथ फिल्म में काम किए हो, कई फिल्मों में काम किए हो, ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके बहुत दिल के करीब हो और कोई ऐसा डायलॉग हो? नहीं, मेरी एक फिल्म थी तेरी पायल मेरे गीत, और हम लोग गोरे गांव में आरे कॉलोनी में शूटिंग कर रहे थे, छोटा कश्मीर जो तालाब है वहाँ पे। तो एक सीक्वेंस था कि सब लोग मतलब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और सारे लोग जो हैं बोट से आते हैं पकड़ने के लिए हमको, और ऐसा हादसा होते होते बचा था कि कादर खान साहब के बोट के अंदर एक होल हो गया था और बोट पानी में डूब रहा था। तो मालिक ने बचा लिया उस हादसे से, और फिर तैराकू लोग जंप करके और उनको, उनकी बोट को फिर बीच में से किनारे लेकर के आए। तो वो एक बहुत हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा था, और वो दिन मुझे आज भी याद है। तो खान साहब बिल्कुल शॉक हो गए थे, एकदम शॉक कि क्या हो जाता अभी। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं फिल्मों में काम के साथ साथ अपनी इबादत भी करता हूँ, 5 वक्ती नमाजी हूँ, कुरान शरीफ पढ़ के घर से निकलता हूँ, नमाज़ पढ़ के निकलता हूँ। तो ये एक क्वालिटी उनके अंदर थी कि जब भी वो नमाज शूटिंग के लिए निकलते तो नमाज जो एक इस्लाम धर्म में है वो काम वो करके निकलते थे, और बहुत नेक इंसान थे। सबसे बड़ी खूबी उनकी ये थी कि वो किसी का हर्ट नहीं करते थे। एक ज़माने में वो टॉप पे जब थे, पुणे में रहने लगे थे, तो वो इतने बिजी थे कि टेलीफोन पे डायलॉग लिखवाते थे। तो बहुत अच्छे और बहुत उम्दा कलाकार, एक अच्छे इंसान को हमने खोया, जिसका अफसोस हम सबको रहेगा। सर, बहुत बड़े कॉमेडियन रह चुके हैं, मतलब इंडस्ट्री के बहुत बड़े कॉमेडियन थे जी, क्या उनके जैसा कोई अब कॉमेडियन रहेगा या इंडस्ट्री में बन पाएगा क्या? देखिए, हर आदमी का एक अलग मुकाम होता है, अब उनकी जगह तो कोई नहीं ले पाएगा। बहुत से नए लोग आए, बहुत से लोग आएंगे, लेकिन कादर खान जैसा एक वर्सेटाइल एक्टर, डायलॉग डिलीवरी, एक जो कैरेक्टर उनको दिया जाता था वो बहुत ईमानदारी से उस कैरेक्टर को जीते थे। और यही वजह है कि 90 से लेके ये जो अभी 4-5 साल पहले तक उनका इंडस्ट्री में बहुत दबदबा था। इनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन जी के साथ थी, इनकी जोड़ी शक्ति कपूर जी के साथ थी, ये लोग गोविंदा जी के साथ थी, और बहुत साउथ की फिल्में इन्होंने, यानी सुपर डुपर हिट फिल्में दी है। तो अब चूँकि यहाँ पर नहीं है वो, अगर होते तो आज मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री उनकी मैयत में शामिल होती। बस यही दुआ है कि मालिक उनको जन्नत में आला मुकाम दे। ऐसा सर कोई डायलॉग है या कोई सॉन्ग है जो उनके लिए गुनगुनाना चाहेंगे? नहीं, वो एक कव्वाली उनके पे मैं जो फिल्माई गई थी, जो बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी, कि वो सुहाना लगता है, जो एक कव्वाली थी, बड़ा अच्छी बोल थी उसके भी, हैं वो जहन में मेरे अभी नहीं आ रही। लेकिन बहुत मतलब अभी क्या बताऊँ मैं, डायलॉग तो ऐसी, डायलॉग डिलीवरी तो उनकी ऐसी होती थी जो बेमिसाल थी। मतलब वैसा डायलॉग डिलीवरी आज के ज़माने में, और कॉमेडी और ये सारी चीज़ें जो है, बहुत एक्सलेंट था उनके पास, यानी टैलेंट का ख़जाना था उनके पास। जी जी। सर, श्रद्धांजलि पे क्या उनको दुआ देना चाहेंगे? बस मैंने कहा ना कि मैं यही दुआ करूँगा कि मालिक बींग ए मुस्लिम उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनके बच्चों को एक हिम्मत दे, और हम सब इस दुख की घड़ी में कादर खान की फैमिली के साथ खड़े हैं और उनके लिए दुआ कर सकते हैं। बस इतना ही है।
Beep.